सेमीफाइनल में मिली एंट्री तो भावुक हो गए पठानी शेर। पहले ऑस्ट्रेलिया को पेला और फिर बांग्लादेश की बजा दी बैंड। वाह क्या मैच था, वाह क्या खेल दिखाया। मैच जीता तो छलक पड़ा आंखों से जीत का समंदर। अब ये समंदर लाएगा जल जला। अफगान टीम को कमजोर समझने वालों होश में आ जाओ। इतिहास में पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची अफगान टीम। अगले मैच से पहले इरादे कर दिए साफ, अब की बार आर या पार। आंखों से निकलता ये पानी नहीं वो उम्मीद है जो सालों से दिल में समाई थी लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी। ये उन सपनों के पूरे होने का पवित्र गंगा जल है जिसको पूरा करने के लिए पसीना बहाया जा रहा था। ये वो जलजला है जिसमें दिग्गज देशों की टीम तिनके की तरह बह गई और अफगानी पठानों ने साबित कर दिया कि भैया अब हम भी किसी सिकंदर, दशकंदर और कलंदर से कम नहीं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, अरे इनको छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया सामने क्यों ना हो, हम जब बल्ला चलाते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं, गिल्लियां उड़ा देते हैं। अफगानिस्तान टीम ने बांग्लादेश की बैंड बजाने के बाद जब सेमीफाइनल में एंट्री ली तो फिर शेरों के सीने में दफन अरमानों के गंगा ने आंखों से निकलना शुरू कर दिया। आंसू पोंछते हुए सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, कामयाबी को जमकर सेलिब्रेट कर रहे थे। जिसकी उम्मीद नहीं थी अफगानी पठानों ने वो कर दिखाया था। पहले ऑस्ट्रेलिया को निपटाया, फिर बांग्लादेश पर शेरों की तरह ऐसा झपट्टा मारा कि जबड़ों से जीत को खींच लाए और सबको बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। वर्ल्ड कप 2024 में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस उतार चढ़ाव वाले मैच को अफगानिस्तान ने जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अफगानिस्तान की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ये जीत अफगानिस्तान के लिए बेहद खास है। इस जीत की गूंज क्रिकेट वर्ल्ड में दूर दूर तक पहुंची है। बांग्लादेश को हराने और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी काफी इमोशनल भी दिखे, जिसके बाद खिलाड़ी अपने आंसू को रोक नहीं पाए। इस मैच में गुरबाज ने अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर किया। हालांकि गुरबाज पूरा मैच नहीं खेल पाए थे, विकेट कीपिंग के दौरान गुरबाज चोटिल हो गए थे जिसके चलते उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा था। गुरबाज मैदान से बाहर जाने के बाद भी ड्रेसिंग रूम से अपनी टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। वहीं मैच को जीतने के बाद गुरबाज अपने आंसू नहीं रोक पाए। गुरबाज की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। अफगानिस्तान इस मैच में बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 116 रनों का टारगेट रख पाया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 17.5 ओवर में 105 रन पर ही ढेर हो गई। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास आखिर तक क्रीज पर डटे रहे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। लिटन दास ने मैच में 54 रन की पारी खेली। अफगानिस्तान की तरफ से कप्तान राशिद खान और नवीन उलख ने 4-4 विकेट अपने नाम किए। अफगानिस्तान के पठानों ने सदी हुई गेंदबाजी और धारदार बल्लेबाजी करके मैदान में ऐसा रोमांच पैदा कर दिया था कि लोग नाखून चबा रहे थे और हर गेंद पर धड़कने बढ़ जाती थी। वाकई अब अफगान टीम किसी भी देश को पीट सकती है और जिस अंदाज में खेल दिखाया उसने तो सबका दिल ही जीत लिया। अफगानिस्तान की इस जीत पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।